ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हैश, चलो तकदीर वाणी तो मिल गई। दिखाओ। अबे तू चुस हराम खोर। भाई आपको नहीं लगता क्या कि हम दोनों असलियत में कॉन्डम है? क्या मेरा मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के हार्ड टाइम में साथ देते। अच्छा वैसा, तो तेरे को इतनी सारी काम की चीजों में सिर्फ कॉन्डम ही दिखाई दिया। आई चेक कपाट गोटे। अबे ये किसका कंदील गिर गया? अबे अभी तो दिवाली भी नहीं आई। भाई ये तो कंदील नहीं, पुस्तक है। लोग बुक पढ़ने के लिए लाइट जलाते, ये तो बुक ही लाइट मार रहा है। भाई ये तो बुक नहीं, नोटबुक निकली। लगता है किसी परेशान इंजीनियर का असाइनमेंट होगा। भाई ये बुक का क्या करे? रहने दे, राशन लिखने के काम आएगा। और राशन लिख ले, वैसे भी खत्म हो गया है। भाई राशन में क्या लिखना है? तेरे को मैगी छोड़ के कुछ बनाने को आता है? नहीं। तो 100 पैकेट लिख चुपचाप। हाँ भाई। मैं सुसु करके आता है। Few minutes later. हो गया भाई। भाई आपका गाना आ रहा है ना? हाँ। उसके लिरिक्स हो गए क्या? काहे के लिरिक्स, इधर बीट नहीं आया अभी तक। मैं करता हूँ ना बीट बॉक्सिंग। ये लो आप फ्री स्टाइल करो और इसमें लिखो। हाँ दे। वैसे फ्री स्टाइल ट्राई तो नहीं किया कभी। यो यो, एंग्रीलैंड की गलियों में जा रहा था शान में, बम्बू आके घुस गया सीधा नागू की गान में, नागू उड़ता चला गया सीधा आसमान में, उड़ के नागू सीधा गिरा मेरे घर के सामने। भाई आपके सुर तो लग रहे थे, लेकिन वो राग और आलाप में थोड़ी कमी रह गई। तेरे बाप ने डाला था रैप में राग और आलाप। मैं देखता हूँ। ये लो सर आपका सामान। लेकिन मैंने आपको अभी तक राशन का लिस्ट दिया भी नहीं। वो सब मेरे को नहीं पता, मालिक से पूछो। अरे लेकिन अच्छा कितना पैसा हुआ? ए भिंडी, कौन सी सदी में जी रहा है बे? 2050 चालू है, आजकल कोई पैसा नहीं लेता, क्रिप्टो करेंसी लेते अपन। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो झाड़ियों से आ रही है शायद। हाँ झाड़ियों में कोने पे तेरा बाप है बे। अरे नागू भाई ये क्या हुआ आपको? पहले मेरे को घर के अंदर लेके चल, बोझड़ा पड़ गया इधर, पता नहीं किसका चेहरा देखा था सुबह सुबह। कोई चश्मे वाली मिली थी सिग्नल पे? क्या ये क्या हो गया इसको? अरे मैं एंग्रीलैंड की गलियों में जा रहा था शान से, बम्बू आके घुस गया सीधा मेरी गांड में, अपन उड़ता चला गया सीधा आसमान में, उड़ के नागू सीधा गिरा तेरे घर के सामने। भाई ये रैप किधर सुनेला लगता है? अभी तो लिखा था, लॉन्च भी नहीं किया अभी तक। और ये नागू कहाँ से लॉन्च होके आया? और ये सामान कहाँ से आया? भाई वो किराना वाला देखे गया, और इसमें वही सामान है जो मैंने पुस्तक में लिखा था। क्या बुक चेक कर एक बार। हाँ भाई, भाई ये बुक के पीछे कुछ लिखा है। क्या लिखा है पढ़? ये तकदीर वाणी पे तुम किसी भी दूसरे इंसान की तकदीर लिख सकते हो, लेकिन खुद की नहीं। तकदीर लिखते समय जिसकी तकदीर लिख रहे हो उसका नाम लिखना जरूरी है, और उसकी शक्ल तुम्हारे दिमाग में साफ होनी चाहिए। और हाँ, फिक्शनल तकदीर काम नहीं करेगी, तकदीर यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से चलेगी। लिखी हुई तकदीर 5 मिनट में काम करेगी। अरे ये तो सच में तकदीर वाणी निकली। दिखा इधर। हाँ ये लो। अबे मत दिख, क्या कर ये रैप किस हरामजादे ने लिखा बे? भाई ने लिखा। अब इसने बीट बॉक्सिंग किया। अबे तुम्हारी बीट बॉक्सिंग के चक्कर में मेरा नगाड़ा बच गया। यमसर, यमसर, ए यमे। इसकी बात कर। क्या काम है? क्यों जगा? सर ये लोगों की तकदीर लिखते लिखते मेरे हाथ की लकीर मिट गई सर। तू लिख रहा था या कुछ और कर रहा था? सर वो भी नहीं कर सकता, सालों से लिख लिख के मेरी उंगलियां पेन को चिपक गई है, ये देखो। वो ट्राई करने जाऊंगा तो टैटू बन जाएगा। तो तू क्या चाहता है, मैं करूं? अरे नहीं नहीं सर, मैं तो आपसे ये कहने आया था, या तो मेरा पगार बढ़ा दीजिए या फिर मुझे मैकबुक प्रो मैक्स अल्ट्रा लेजेंड दिला दीजिए। मैं इतने सालों से हाथ में गदा लेके बैठा हूँ, एक मशीन गन नहीं ली, और तुझे मैकबुक प्रो मैक्स अल्ट्रा लेजेंड चाहिए? जा जाके पुस्तक में लिख। सर वो गलती से मेरे हाथ से पुस्तक पोर्टल में गिर गई। क्या? अरे यार जावे, तूने तकदीर लिखने की पुस्तक पोर्टल में डाल दी। उसमें क्या है, हम रिकॉर्ड लिखने के लिए और एक बुक खरीद लेंगे। अबे घर का राशन लिखने की पुस्तक नहीं थी, लोगों की तकदीर लिखने की पुस्तक थी। वो कौन से प्लेनेट के पोर्टल में गई? शायद पृथ्वी सर। सत्यानाश, पृथ्वी पे 7 बिलियन हरामी लोग रहते, बुक किसी हरामी के हाथ में लग गई तो सबसे पहले मेरी तकदीर लिखेगा वो, उसके पहले हमें बुक लेके आना पड़ेगा। जा जाके मेरा वाहन लेके आ। भाई ये बुक से तो हम लोग दुनिया जीत सकते हैं, पता है? दुनिया गई भाड़ में, पहले मेरा वो किराने वाली चुंगी और ठेके वाली चंपा के साथ टाका बिड़ा दे, लाइफ टाइम के लिए दारू चकना फ्री हो जाएगा। ओके भाई। Few minutes later. इसकी माँ का कुत्ता मारो। अबे ये लोग कोने पे? छुप छुप। भाई ये ठेके के बाहर बैठती है चंपा, और ये किराने के बाहर बैठती है चुंगी। तू बुक ला इधर, पता नहीं और क्या क्या घुसाएगा। अबे उल्लू के झटके बाल, क्यों कर रहा है मेरा बुरा हाल? ये है मेरी दोनों माल, इन दोनों को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल। हाँ अभी लिखता हूँ, चंपा और चुंगी विल हेट नागू। Few minutes later. बेवड़े, आई हेट यू फ्रॉम चंपा एंड चुंगी। भाई ये क्या कर दिया? उसने फोटो दिखाया तो मेरे दिमाग में वही बैठ गया। रुक मैं ठीक करता हूँ।
एक मिनट वो बुक दिखाना। साला जब से ये तकदीरवानी घर में आई है मेरी तकदीर की माँ का भोसड़ा करके रखा है। अबे क्या कर रहा है नागू भाई? यम सर बुक मिल गई। मिल तो गई लेकिन ये तकदीरवानी की तकदीर ऐसे कैसे हो गई? मैंने बोला था पृथ्वी वाले हरामी होते हैं। और ये क्या लिखा है? एंग्लैंड की गलियों में जा रहा था शाम से, बम्बू आके घुस गया सीधा नागू की गांड में। चित्रगुप्त ची, ये कैसी तकदीर लिखते हो तुम? मैंने नहीं लिखी, किसी पृथ्वीवासी ने लिखी होगी। ये इंसान लोग बहुत हराम खोरे, निकलो यहाँ से। हैश, चलो तकदीर वाणी तो मिल गई। दिखाओ। अबे तू हराम खोर, नरक में पकड़ चलूंगा मैं तेरे। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैकबुक प्रो मैक्स अल्ट्रा लेजेंड चाहिए तेरे को। अभी वापस तकदीर वाणी ढूंढने जाना पड़ेगा। अबे ये किसका कंदील गिर गया? अबे अभी तो दिवाली भी नहीं आई, तू बुक ला इधर, पता नहीं और क्या क्या घुसाएगा। अगर ये तकदीरवानी हमसे खो जाती है तो हमें वापस उसी जगह पे उसी टाइम पे मिलनी चाहिए जहाँ पहले मिली थी। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको।